हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर वो डिज़ाइनर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक प्लान, जैसे कि हम लोगों ने जो कैश काउंटर का डिज़ाइन किया हुआ है, मंदिर का डिज़ाइन किया हुआ है और रैक जो हम लोगों ने बनाया हुआ है स्टोर करने के लिए। जैसे कि ये जो शॉप है वो स्टील के बर्तन का होलसेल शॉप है। जैसे कि इसका मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 14 फीट चौड़ाई में है और लंबाई में बात करें तो ये आपको 40 फीट का दुकान है। जैसे कि इसमें हम लोगों ने जो काम किया हुआ है 2 फ्लोर पर, तो उसका मैं डिज़ाइन आपको दिखाने वाला हूँ। अभी ये काम फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक आपको अपडेट दूंगा कैसे हम लोगों ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि कैश काउंटर का अंदर का साइड का जो भी ड्रॉवर वगैरह है कैसे हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो काउंटर है उसके अंदर के साइड में जितने भी ड्रॉवर हम लोगों ने बनाया हुआ है कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो काउंटर है उसके ऊपर के साइड में 3 इंच का ड्रॉवर दिया हुआ है और जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे तो 6-6 इंच के ड्रॉवर 3 दिए हुए हैं और जस्ट उसके नीचे आपको एक स्केटिंग मिल जाएगा। और ये वाला जो है अंदर हम लोगों ने सरफेस है वो जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रॉवर वगैरह जो भी 1.5 इंच का बॉर्डर है वो एक लेवल में दिया हुआ है और काउंटर का जो टॉप है वो भी एक लेवल में दिया हुआ है। यहाँ पे ये अंदर के साइड का एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ पे शेयर आने वाला है उसके जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे तो स्विच बोर्ड दिया हुआ है। अंदर के साइड में एक बड़ा सा गाला दिया हुआ है, उसके ऊपर जो भी है आपका DVR वगैरह जो भी है इसके अंदर आने वाला है। और जस्ट उसके साइड में देखेंगे जो ये काउंटर है वो L शेप में है, तो यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज मिल जाएगा। और अंदर के साइड में एक ड्रॉवर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिना चैनल का ड्रॉवर है। जैसे कि अंदर के साइड में अगर आप चैनल लगाएंगे तो लगाने को और निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों ने बिना चैनल का ड्रॉवर लगाया हुआ है। लेकिन आपको दिखाऊं मैं तो, जैसे कि बाहर से आप जब देखेंगे तो ड्रॉवर आपको जैसा आप काउंटर में देखा था वैसे ही आपको यहाँ पे भी ड्रॉवर देखने को मिल जाएगा, ऊपर के साइड में 3 इंच का और नीचे के साइड में 6-6 इंच के ड्रॉवर। लेकिन जो नीचे वाला ड्रॉवर है वो आपको बाहर से ड्रॉवर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अंदर से आपको उसको यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो ये कस्टमर है, उसका डिमांड था कि आपको अंदर से ये ड्रॉवर चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने अंदर से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अब देखेंगे तो जो काउंटर टॉप है उसका हम लोगों ने 24 इंच हाइट के ऊपर एक स्टोरेज के लिए, जैसे कि फाइल वगैरह जो भी रखने के लिए, ये कैश काउंटर है तो यहाँ पे ऊपर के साइड में एक बॉक्स बनाया हुआ है। सो इसके में चौड़ाई की बात करूँ तो ये अराउंड 18 इंच का चौड़ाई है उसका, और इसका मैं डीप की बात करूँ तो ये 14 इंची आपको डीप में मिल जाएगा। और इस साइड में हम देखेंगे जैसे कि पूरा अभी काम चालू है, लिपिंग पट्टी हम लोगों ने सरमाके के साथ में कॉम्बिनेशन किया हुआ है और सामने आपको ग्लास यहाँ पे लगने वाला है। जैसे कि ये तो पूरा फिनिशिंग अभी नहीं हुआ है, जैसे पूरा फिनिशिंग हो जाएगा तो मैं उसका एक अपडेट आपको दे दूंगा कैसे फिनिशिंग होने के बाद में दिखेगा। तो अभी मैं आपको कैश काउंटर के डिटेल में वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब काउंटर के बैक साइड में आप देखेंगे तो एक मंदिर का डिज़ाइन किया हुआ है। जो मंदिर हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है वो पत्थर में किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मंदिर का सामान वगैरह जो भी रखने के लिए नीचे के साइड में आपको 5-5 इंच के 2 ड्रॉवर मिल जाएंगे, उसके अंदर आपका जो भी मंदिर का सामान वगैरह जो भी है वो उस ड्रॉवर के अंदर आ जाएगा। और ये वाला मंदिर भी अभी पूरा कम्प्लीट नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर के साइड में सीलिंग का काम करने के लिए हम लोगों ने पार्ट बनाया हुआ है। जैसे कि ऊपर के साइड में आप सीलिंग का डिज़ाइन भी देख सकते हैं, तो इसका मैं फुल वीडियो अभी बहुत जल्दी लेके आने वाला, जैसे कि पूरा फिनिशिंग हो जाएगा तो काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ। जैसे कि आगे आपको दिखाऊँगा जो रेक है वो हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वाला डिज़ाइन आपको करना है, जैसे कि अगर आपको शॉप का डिज़ाइन करना है तो आप इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने टॉप पे जो सरमाइका आप देख रहे हैं, ये वाला सरमाइका आपको रॉयल टच में सरमाइका मिल जाएगा, ये वाला जो सरमाइका आप देख रहे हैं। और नीचे की साइड में जो भी है ये भी रॉयल टच में हम लोगों ने लिया हुआ है, जैसे कि 2 सरमाइका यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। अंदर के साइड में आप देखें जितने भी ड्रॉवर वगैरह जो भी अंदर के साइड में हम लोगों ने जो लेमिनेट लगाया हुआ है वो भी वाइट कलर का, जो भी वुडन शेड में वाइट लाइट वुडन शेड में हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जैसे कि आपको आगे मैं दिखाऊंगा। और इस साइड में आपको 3 इंच का कॉलम मिलेगा और बाहर से आपको देखा जाता है जैसे कि बाहर से काउंटर का डिज़ाइन कैसा रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जो 1.25 इंच का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे हम लोगों ने 1.25 इंच ही बाहर रखा हुआ है, जैसे कि जो नीचे वाला जो सरफेस है उससे 1.25 इंच ही बाहर रखा हुआ है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये सरमाइका है वुडन कलर का, जो भी सरमाइका यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये साइड में आपको एक एंट्री मिल जाएगा, जो कि अंदर जाने के लिए यहाँ पे 18 इंच का आपको ये एंट्री मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ से आप अंदर जाने के लिए ये दे दिया हुआ है। और नीचे के साइड में भी एक आपको डोर मिलेगा और एक ऊपर के साइड में जो भी फ्लैप जो ऊपर रहता है वो खोलने के लिए। और राइट साइड में आप देखेंगे जैसे कि जो शटर है, जैसे कि जो मेन एरिया जो मेन इंट्रेस्ट है उसके जस्ट
सामने देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए नीचे कपाट और ऊपर के साइड में आपको ग्लास यहाँ पे फिक्सिंग होने वाला है। तो जैसे ही ग्लास का काम पूरा फिनिशिंग हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये पे स्टोरेज दिया हुआ है 12 इंच में हम लोगों ने इसको डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लैप अंदर रखने के बाद में यहाँ पे आपका एक शेयर आ जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे नीचे साइड में, और एक शेयर आपको जो ड्रॉवर का भाग है उसके राइट साइड में आ जाएगा। और ये साइड में देखेंगे तो नीचे के साइड में आपको 2 स्विच बोर्ड मिलेंगे और नीचे के साइड में एक दरवाज़ा दिया हुआ है। जैसे कि ये भी पूरा जो सरफेस है वो एक लेवल में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 ड्रॉवर यहाँ पे, एक शटर यहाँ पे सिंगल शटर दिया हुआ है। और जस्ट उसके साइड में देखेंगे तो 2 ओपनेबल शटर दिए हुए हैं। ये वाला जो गाला है वो बड़ा है, और उसके जो काउंटर है उसके जस्ट नीचे भी आप देखेंगे तो एक डोर दिया हुआ है। और जस्ट उसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो सरमाइका हम लोगों ने अंदर के साइड में जो काउंटर है उसके अंदर के साइड में भी लाइट बैंगनी कलर में सरमाइका लिया हुआ है। सबसे अब आपको दिखाऊंगा ये जो रैक का डिज़ाइन किया हुआ है वो काफ़ी सिंपल है। जैसे कि ऊपर साइड में हम लोगों ने जो 1.5 इंच का बॉर्डर दिया हुआ है उसके ऊपर ही हम लोगों ने LED स्ट्रिप लगाया हुआ है, प्रोफाइल LED स्ट्रिप जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और रैक जो बनाया हुआ है वो खड़ा वाला जो वर्टिकल है वो हम लोगों ने 1.5 इंच का दिया हुआ है, और जो आड़े वाला है वो भी 1.5 इंच का है। और वो जो खड़ा वाला वर्टिकल है उसमें हम लोगों ने सरमाइका जो वाइट कलर का लिया हुआ है, और ये वाला हम लोगों ने वुडन कलर का लिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं वर्टिकल जो खड़ा वाला है वो 1 इंच ही अंदर है, तो डिज़ाइन के हिसाब से हम लोगों ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा काम अभी चालू है, जैसे पहाड़ वगैरह पर जो भी है सारा कचरा वगैरह जो भी पड़ा इधर, तो ये पूरा फिनिशिंग नहीं है। जैसे कि ये पूरा जो भी अंदर हम लोगों ने जो कड़प्पे लगाए हुए हैं उसको घिसाई वगैरह जो भी है वो अभी काम चालू है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही डिज़ाइन वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी अगर आपको पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अर्जेंटली कुछ भी पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपको क्वेरी है वो मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक अच्छे डिज़ाइन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।